हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स एजेंडा में। आज हम शुरू करेंगे एक नया सफर, एक नया चैप्टर आईपीएल 2024 का। यह है हमारा पहला एपिसोड जहां हम एक्सप्लोर करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रेड्स, ऑक्शंस और सब कुछ जो आईपीएल 2024 के आने वाले सीजन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी में जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं आईपीएल 2024 का पहला एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है आईपीएल 2024 के ऑक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के ऑक्शन का फाइनल जो है वो हो चुका है। कहाँ पर होना है? जी हाँ दोस्तों, ये होना है सबसे पहले तो 19 दिसंबर को शुरू होना है और इसका टाइम रहेगा 2:30। यानी आप लोग अपने घर पर भी देख सकते हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं जियो पे और स्टार स्पोर्ट्स पर। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि ये होने वाला है इस बार दुबई में। शायद आप लोगों को मालूम था ये दुबई में हो रहा है, पर आप तक ये लोगों को नहीं मालूम था ये दुबई में कहाँ हो रहा है। तो हम आपको रिवील करेंगे, ये हो रहा है दुबई के कोका कोला एरिना में। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला एरिना ये वह एरिना है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लाइव कंसर्ट होते हैं वर्ल्ड के फेमस म्यूजिशियंस के और बहुत बड़े बड़े संगीतकार के। दोस्तों, पहली बार हो रहा है आईपीएल, अपने कारनामे तो करता ही रहता है आईपीएल ने। पहला कारनामा क्या है कि कोई भी जो ऑक्शन है वो लाइव होगा, लोगों के बीच में होगा, दर्शक मौजूद रहेंगे और वो होगा कहाँ पर? कोका कोला एरिना में। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज थी ये। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के ऑक्शन में प्लेयर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है जो टोटल प्लेयर्स जो आईपीएल ने फाइनलाइज किए हैं वो है 333, यानी कि 333। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे प्लेयर्स ने वर्ल्ड वाइड अपने आपको रजिस्टर करवाया था। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन पहुंच गया था 1300 के आसपास, 1300 के आसपास पहुंच चुका था, पर इसमें से जो प्लेयर चूज किए हैं आईपीएल के एक कमेटी ने वो टोटल प्लेयर हैं 333। तो इन 333 प्लेयर का फैसला होना है जो 19 दिसंबर को होना है। ये सब लोग अपना दिल को थाम के बैठेंगे किसको मौका मिलेगा और कौन रहेगा बाहर। दोस्तों, हम आपको बता दें 333 प्लेयर में से जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो हैं 214, 214 प्लेयर जो हैं वो भारत के हैं और जो विदेशी हैं यानी ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो हैं 119 यानी 119 प्लेयर्स और 2 प्लेयर्स हैं जो एसोसिएट कंट्री से लिए गए हैं, जिसको हम आपको बताएंगे कौन है वो। और खास तौर पर इस बार 116 प्लेयर्स कैप प्लेयर्स हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी कैप प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो अभी भी अपनी अपनी कंट्रीज के लिए खेल रहे हैं। और अनकैप प्लेयर्स हैं वो है 215। ये एक अच्छा नंबर है, मौका मिलेगा अनकैप प्लेयर्स को खेलने का आईपीएल में और जिसके बाद वो जगह बनाते हैं अपनी टीम में। तो दोस्तों, ये रही 333 प्लेयर्स की टोटल लिस्ट और कौन कौन किस किस कंट्री से है अनकैप्ड और कैप्ड है। साथ ही हम आपको बता दें जो मैक्सिमम स्लॉट अवेलेबल है इस बार आईपीएल 2024 में वो है 77 प्लेयर्स का। सिर्फ 77 प्लेयर्स की किस्मत ही चमकेगी 333 में से। दोस्तों, जिसमें से 30 प्लेयर्स जो है वो रहेंगे ओवरसीज के, यानी विदेशी प्लेयर्स को आप जो टोटल है विदेशी प्लेयर 119, उसमें सिर्फ 30 प्लेयर्स हैं जिनकी किस्मत फिर से चमकने वाली है। तो दोस्तों, ये रही आईपीएल ऑक्शन की डिटेल्स जो प्लेयर्स इस बार के रजिस्ट्रेशन में आए हैं आईपीएल की साइट से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बाद। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इन 333 खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का कितना बेस प्राइस है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें जो बेस प्राइस है, मैक्सिमम बेस प्राइस जो है वो है 2 करोड़। जी हाँ, और इस 2CR में 23 प्लेयर्स ने अपने आपको रजिस्टर्ड किया है। इसके बाद बेस प्राइस 1.5 करोड़, जिसमें 13 प्लेयर्स ने अपने आपको रजिस्टर्ड किया है। साथ ही फिर आता है बेस प्राइस आपका 1CR, इसमें 14 प्लेयर्स रजिस्टर्ड किया है। और फिर 76 लाख का है 25 लाख, इसमें आपको 11 प्लेयर्स रजिस्टर्ड किया है। फिर बाकी आते हैं 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख एवं 20 लाख तक बेस प्राइस जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं बेस प्राइस 2 करोड़ में वो कौन से 23 प्लेयर्स हैं जो अपनी किस्मत चमकाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेस प्राइस 2 करोड़ का। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले प्लेयर्स की, जो 23 प्लेयर्स हैं कौन कौन से। पहला नाम आता है हर्षल पटेल का, फिर आता है शार्दुल ठाकुर का, फिर आता है उमेश यादव, हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, रैली रोसो, स्टीव स्मिथ, ग्रेल कोर्टसे, पैट कमिंस, क्रिस वोक्स, जोश इंग्लिश, लॉगी फर्ग्यूसन, जोश हेसलवुड, मिचेल स्टार्क, मुजीबुर रहमान, आदिल राशिद, सीन एबॉर्ड, जेमी ओवरटन, डेविड विली, बेन डकेट एंड मोहम्मद रहमान। दोस्तों, ये 23 प्लेयर्स हैं जो अपने आपको रजिस्टर्ड करा चुके हैं बेस प्राइस 2। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर बेस प्राइस 1.5 करोड़ में जो 13 प्लेयर रजिस्टर्ड हुए हैं कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है हसरंगा का, फिर आता है फिल सॉल्ट, कॉलिन मनरो है इसमें, रदरफोर्ड है, टॉम करन है, जेसन होल्डर है, मोहम्मद नबी है, जेम्स निशम है, डैनियल सैम्स है, क्रिस जॉर्डन है, मिल है, जय रिचर्डसन है और टिम सऊदी।
ये 13 प्लेयर्स हैं जो 333 प्लेयर की लिस्ट में हैं, मोस्टली विदेशी हैं, इसमें कोई भारतीय प्लेयर नहीं है, बेस प्राइस 1.5 सीआर में। दोस्तों बात करते हैं 1 करोड़ के बेस प्राइस में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। इसमें नाम आता है सबसे पहले आर पॉवेल का, फिर आता है डेल मिशेल का, जोसेफ आते हैं, ए टर्नर आते हैं, ए अगर आते हैं, ब्रेसवेल आते हैं, ट्रेटोरेस आते हैं, एस बिलिंग्स आते हैं, एटकिंसन आते हैं, जेमिसन आते हैं, मैरिड आते हैं और पार्नेल आते हैं। दोस्तों ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना आपको रजिस्टर किया था 1 करोड़ के बेस प्राइस में। इनकी किस्मत चमकती है नहीं चमकती है देखना होगा ऑक्शन के। दोस्तों आईपीएल में जो ऑक्शन होता है वो होता है सेट वाइज, जितने जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं वो टॉप सेट पर आते हैं। इस बार जो है 19 सेट्स हैं टोटल, हम उसमें डिस्कस करेंगे टॉप 4 सेट्स, टॉप 4 प्लेयर्स में सारे कवर हो जाएंगे जो मोस्टली आईपीएल ऑक्शन में रजिस्टर्ड है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम सेट 1 की। सेट 1 में दोस्तों पहला है हैरी ब्रोक जो इंग्लैंड से है, ये 2 करोड़ बेस प्राइस है इनका। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से है, 2 करोड़ बेस प्राइस है। करुण नायर इंडिया से है, 50 लाख बेस प्राइस है। मनीष पांडे भी इंडिया से है, इनका 50 लाख बेस प्राइस है। रोमन पॉवेल जो है मिस्टर डिस के हैं, इनका 1 करोड़ बेस प्राइस है। रेसी रोसो इनका साउथ अफ्रीका से, इनका 2 करोड़ बेस प्राइस है। स्टीव स्मिथ ये है आपके ऑस्ट्रेलिया से, इनका आपका है 2 करोड़ बेस प्राइस। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब सेट नंबर 2 की। सेट नंबर 2 में दोस्तों ये मोस्टली कह सकते हैं आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, इसमें इंडियन प्लेयर्स शायद एक आध ही होगा। इसमें आपका है पहले गैरल कॉट से साउथ अफ्रीका से है, इनका 2 करोड़ बेस प्राइस है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से है, इनका 2 करोड़ बेस प्राइस है। हसरंगा आते हैं श्रीलंका से, 1.5 करोड़ बेस प्राइस है। डैरन मिचेल न्यूजीलैंड से, 1 करोड़ बेस प्राइस। अस्मतुल्ला उमरजाई 50 लाख अफगानिस्तान से, ये दोस्तों इस बार के बहुत सारे लोग इनको इस बार लेंगे। हर्षल पटेल आते हैं भारत से, इनके 2 करोड़ बेस प्राइस है। रचिन रविंद्र इनका बेस प्राइस काफी कम है जो कि इनकी काबिलियत है। दोस्तों शायद ये चाहते हैं हम बिक जाऊं पहले साल इनका या आईपीएल में, ये पहले साल सिर्फ बिकना चाहते हैं। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर जो भारत से है, इनका है 2 करोड़ बेस प्राइस। क्रिस वोक्स इंग्लैंड से, इनका भी 2 करोड़ बेस प्राइस है। मालूम नहीं अब क्रिस वोक्स का क्या होगा इस बार, हम देखते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सेट 3। सेट 3 में हमारे हैं के एस भारत जो विकेटकीपर बैट्समैन है भारत के, इनका 50 लाख बेस प्राइस है। जोश इंग्लिश विकेटकीपर बैट्समैन है, ये एक अच्छे बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने अपना 2 करोड़ बेस प्राइस रखा है। देखते हैं इन पर निगाह रहेगी, कौन इनको अपनी टीम में लेगा। फिर आते हैं कुशल मेंदिस श्रीलंका से, इनका 50 लाख है बेस प्राइस। इसके बाद आते हैं फिल सॉल्ट इंग्लैंड के, ये एक विस्फोट बल्लेबाज है, इन्होंने अपना 1.5 सीआर बेस प्राइस रखा है। इसके बाद आते हैं स्टब्स, ये साउथ अफ्रीका के हैं, इनका बेस प्राइस जो है 50 लाख है। दोस्तों उसके बाद सेट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके आते हैं बॉलर्स। सबसे पहले लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड 2 करोड़ बेस प्राइस, जोश हेसलवर्ड ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ बेस प्राइस, अल जरूफी जोसेफ वेस्ट इंडीज 1 करोड़ बेस प्राइस, निशान मधुशंका श्रीलंका 50 लाख बेस प्राइस। इन हर टीम चाहेगी कि मैं मधुशंका को अपनी टीम में लूं। फिर आते हैं शिवम मावी इंडिया से 50 लाख, चेतन सकरिया इंडिया से आते हैं 50 लाख, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़। ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस बार बिकने के लिए, देखें कितना लेके जाते हैं मैक्सिमम। जयदेव उनतकट इंडिया से 50 लाख, उमेश यादव भारत से 2 करोड़ बेस प्राइस। दोस्तों ये है 4 साइड जो हमने जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम एक स्पिनर्स का और साइड डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, सेट नंबर 5। इसमें आपके आते हैं अकील हुसैन वेस्ट इंडीज के हैं 50 लाख बेस प्राइस, मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के 2 करोड़ बेस प्राइस, आराम से बिक जाएंगे। अब्दुल राशिद इंग्लैंड के हैं 2 करोड़ बेस प्राइस है, मुश्किल है इस बार। मोहम्मद वकार सलाम खेल ये अफगानिस्तान के नए प्लेयर हैं जो अनकैप प्लेयर हैं जिनको चूज किया गया है, 50 लाख बेस प्राइस है। तबदेश शम्स साउथ अफ्रीका के हैं 50 लाख बेस प्राइस है। उसके बाद आते हैं इश सोदी न्यूजीलैंड से जो 75 लाख बेस प्राइस है। दोस्तों ये हमने 4-5 सेट से इंपॉर्टेंट सेट हमने डिस्कस किए और हम पूरा सेट डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग जानते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट से बताइए कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि बिकेगा और कौन सा प्लेयर जो है इस बार बाहर बैठेगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और वेट करें एपिसोड 2 का जो बहुत जल्द आने वाला है आईपीएल के अपडेट्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।